हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लास गुडविल जीएस एंड इंग्लिश ज्ञान गंगा। आज हम इंग्लिश की क्लास लेकर आए हैं आप लोगों के सामने, और बहुत सारे लोगों को नाउन और इसके यूजेस में, नाउन और नंबर में कन्फ्यूजन रहता है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नाउन एंड द नंबर। नाउन एंड द नंबर से संबंधित क्लास रहेगी ये हमारी, ठीक है? तो जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल हो सकती है ये हमारी आज की क्लास। और आप लोगों को ये क्लास जो है अल्टरनेट मिलती रहेगी, हो सकता है डेली ना दे पाएँ, लेकिन अल्टरनेट तो आपको ये क्लास मिलती रहेगी नाउन एंड द नंबर। तो नाउन से आप लोग तो परिचित ही हैं, ठीक है? नाउन क्या होता है ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है? और नाउन को कैटेगराइज किया गया है, इसको पांच जो है टाइप्स में या पांच काइंड्स में बांटा भी गया है। तो जो पांच काइंड्स हैं या पांच टाइप्स हैं, ठीक, उनके हम जब यूजेस करते हैं सेंटेंस में यूज़ करते हैं हम उनको, तो देखते हैं उनको मतलब वो किस नंबर में यूज हो रहे हैं, सिंगुलर या प्लूरल में, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये तो नहीं याद करना है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, क्योंकि आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं, तो यहाँ ये मैटर नहीं करता है। इस क्लास में मैटर क्या करेगा? तो इस क्लास में मैटर करेगा नाउन और इसके नंबर, ठीक है? तो यहाँ पे नंबर से संबंधित बात होगी जो नाउन के नंबर से संबंधित होगी, ठीक है? नाउन एंड द नंबर। तो देख लेते हैं नंबर क्या है, नंबर कहते किसे हैं, ठीक है? तो नंबर क्या है, नंबर तो इफ ए नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। आप कह सकते हैं इफ ए नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर, अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। यानी यदि एक नाउन, एक संज्ञा, ठीक है, यदि एक संज्ञा जो है एक संख्या या एक से अधिक, ठीक, संख्या के बारे में बताता है, तो हम उसे नंबर कह देते हैं, उसे हम वचन कहते हैं। अब यहाँ पे संख्या मतलब एक दो तीन गिनना नहीं है, देखने पर ही, पढ़ने पर ही पता चल जाएगा कि वो नाउन जो है एक अकेला है, सिंगुलर में यूज हुआ है कि प्लूरल में यूज हुआ। आई बात समझ में? यहाँ पर जो है आपको एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लिखा है ए बॉय, तो ए बॉय क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर। और उसके बाद अगर आ जाए बॉयज, मतलब क्या हो गया कि एक से अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल। मतलब आप कह देंगे इसको मोर देन वन, मोर देन वन, और आप इसको क्या कहेंगे, वन या ओनली वन, ठीक है, ओनली वन, और ये मोर देन वन। इसी तरह से जैसे ए टेबल है, ए टेबल, तो क्या हो जाएगा, टेबल्स, ठीक है, तो ये क्या है, ओनली वन है, और ये क्या है, मोर देन वन है, मोर देन वन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो नाउन है, ये नाउन एक के बारे में, सिंगल के बारे में बता रहा है, और यहाँ पर जो ये नाउन है बॉयज या टेबल्स, ये मोर देन वन के बारे में बता रहा है, एक से अधिक के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है
कि जो नंबर होता है वह किसी संख्या के एक या एक से अधिक होने का आभास कराता है, उसी को हम नंबर कहते हैं। तो ये नंबर जो है दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपने पहले देख देख ही लिया है, ठीक है, कि नंबर जो है दो प्रकार के होते हैं, या आप कह सकते हैं काइंड्स ऑफ नंबर। तो दो प्रकार के होते हैं काइंड्स ऑफ नंबर में, एक होता है सिंगुलर सिंगुलर नंबर और एक होता है प्लूरल नंबर। तो ठीक है, सिंगुलर नंबर में क्या होता है, ठीक है, सिंगुलर नंबर में क्या होता है कि जब एक नाउन केवल एक के बारे में ही बताता है, ठीक है, यानी जब किसी एक ही नाउन का पता चलता है तो हम उसको सिंगुलर कहते हैं। जैसे इफ क्या कह सकते हैं, इफ ए नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन, अबाउट ओनली वन इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। ठीक इसमें एग्जाम्पल अगर आप देखें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ए स्टूडेंट। तो यहाँ पे नाउन है क्या, स्टूडेंट, और एक ही है, यहाँ पर ए लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि ये किसके बारे में बता रहा है, ओनली वन के बारे में। तो ये जब ओनली वन के बारे में है तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर। इसी तरह से प्लूरल का होगा कि इफ ए नाउन टेल्स अबाउट इफ ए नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन, मोर देन वन इज कॉल्ड प्लूरल नंबर, इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। ठीक है, जब एक से अधिक संख्या की बात होगी, किसी नाउन के एक से अधिक संख्या की बात होगी, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर हो जाएगा। अब प्लूरल नंबर, अब यहाँ पे जो है एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल, तो हमने लिख दिया यहाँ पे स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स है तो आप कह देंगे मोर देन वन, मोर देन वन। ठीक है, तो जब हम सेंटेंसेस में इनका प्रयोग करते हैं तो जो है हम आवश्यकता अनुसार किसी नाउन को सिंगुलर में रखेंगे, किसी नाउन को प्लूरल में रखेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन होते क्या हैं। चलिए अब जैसे जो है कुछ रूल्स हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करने के लिए। तो आपको याद रखना है रूल्स टू चेंजिंग ए सिंगुलर इनटू प्लूरल नंबर, या रूल्स फॉर चेंजिंग ए सिंगुलर इनटू प्लूरल नंबर। आपको केवल ध्यान से पढ़ लेना है इसको। तो रूल्स में पहला रूल क्या कहलाता है, ठीक है, कि ऐड एस, ऐड एस इन द एंड ऑफ सिंगुलर नाउन। ठीक है, सिंगुलर नाउन के अंत में ये इन द की जगह ऐड द, ऐड एट एड एस एट द एंड ऑफ सिंगुलर नाउन, मतलब सिंगुलर नाउन के अंत में जो है जनरली हम एस लगाकर उसे प्लूरल बना देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा सिंगुलर और यहाँ पे लिखा प्लूरल। ठीक है, तो जैसे क्या है, फैन है, फैन, तो इसमें केवल एस लगा देना है,
फैंस हो जाएगा, इसी तरह पेन है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेंस, ठीक है। फ्रेंड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, ठीक है। इसी तरह से हॉर्स है तो क्या हो जाएगा, हॉर्सेस, हॉर्सेस। मतलब जनरली हम एस जोड़कर लगा देते हैं, पहला रूल ये करता है, कहता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड रूल है हमारा, सेकंड रूल क्या कर रहा है, तो सेकंड रूल है कि इफ ए कॉमन नाउन एंड्स विथ लेटर एस और एस 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 एच सी एच, ठीक है, तो वी एड ई एस एट एट द एंड ऑफ दैट सिंगुलर कॉमन नाउन टू मेक प्लूरल। मीन्स आप कह सकते हैं कि इफ ए सिंगुलर कॉमन नाउन एंड्स विथ एस 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 एच सी एच एक्स और जेड, एड ई एस टू मेक प्लूरल, ठीक है। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंत किससे हो रहा है, एस से, एस एस से, एस एच से, सी एच से, या एक्स या जेड से हो रहा है, तो उसके अंत में ई एस जोड़कर उसे प्लूरल बना देना चाहिए। जैसे मान लो आ गया, सिंगुलर है ये और यहाँ पे प्लूरल लिख दिया हमने, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल। मान लो आ गया बस, तो यहाँ पर देखो बस में एस आया है लास्ट में, तो हम क्या कर देते हैं, बस सीधा सीधा उसके साथ ई एस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, बसेस, ठीक है। इसी तरह से क्लास है, तो क्लास में डबल एस आ गया है, ठीक है, तो क्या कर देंगे हम, क्लासेस लिख देंगे ई एस लगाकर, ठीक। इसी तरह से हमारे पास डिश आ गया, डिश, डिश, तो एस एच है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, एस एच ई एस लगा दिया, ठीक है, डिशेस कर दिया। उसी तरह से बेंच हो गया, बेंच, तो सी एच आया, तो हमने क्या कर दिया, बेंचेज लिख दिया, एस ई एस लगाकर, ठीक है। फिर उसके बाद और कौन सा वर्ड है, जैसे बॉक्स आ गया, बॉक्स, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, बॉक्सेस लिख दिया, ई एस लगा दिया, ठीक है। क्विज आ गया, तो क्या कर दिया हमने, क्विजेस कर दिया। तो इस तरह से आप प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि जब एस 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 एच सी एच एक्स जेड से कोई सिंगुलर कॉमन नाउन एंड हो रहा हो, तो हम उसके अंत में ई एस लगाकर उसे प्लूरल में बदल देते हैं, ठीक। चलिए अगला रूल देख लेते हैं जल्दी से। तीसरा रूल है हमारा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये रूल्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, एरर में पूछे जाते हैं, तो अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो अगला है कि इफ ए सिंगुलर कॉमन नाउन एंड्स विद कॉमन नाउन एंड्स विथ वाई एंड्स विथ वाई एंड अ कॉन्सोनेंट इज यूज्ड बिफोर वाई बिफोर वाई देन देन आई ई एस आई ई एस replace the y to make plural,
टू मेक प्लूरल, ठीक है। यदि यदि एक सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में, एक सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में वाई का प्रयोग हुआ हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट आया हो, तो कॉन्सोनेंट आया हो अगर, तो वाई के स्थान पर हम क्या कर देते हैं, आई ई एस का यूज कर देते हैं, आई ई एस से उसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, आई ई एस से रिप्लेस कर देते हैं वाई को। तो जैसे एग्जांपल है सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। तो एग्जांपल है, मान लो आया लेडी, लेडी। अब यहाँ पे देखो वाई है और यहाँ पर डी है, तो डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, वाई क्या है, वाई है, ठीक है, वाई और डी आया है, तो डी और वाई आया है, तो वाई को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, लेडीज, और किससे रिप्लेस किया हमने, तो आई ई एस से, ठीक है। फिर इसी तरह से है बेबी, अब यहाँ पे देखो वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, वाई को रिप्लेस कर देंगे, क्या कर देंगे, बेबीज, आई ई एस से रिप्लेस कर दिए, ठीक है। फिर उसी तरह से आर्मी है, आर्मी, तो वाई के पहले क्या है, एम है, तो हम वाई को रिप्लेस करके आई ई एस से आर्मीज लिख देंगे, आर्मीज, ठीक है। फिर उसी तरह से आपको और कौन सा वर्ड, सैलरी, अब यहाँ पे भी देखो आर आया है वाई के पहले, तो सैलरीज कर देंगे हम, सैलरीज, आई ई एस से रिप्लेस कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐसे वर्ड्स को रिप्लेस करके, मतलब ऐसे वर्ड्स में जो वाई से एंड हो रहे हैं, सिंगुलर कॉमन नाउन है और जो है उनके पहले कॉन्सोनेंट आया है, तो आप वाई को आई ई एस से रिप्लेस करके उसे प्लूरल नाउन बना सकते हैं, ठीक है, बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे मूव करते हैं, हमारा जो अगला रूल है वो क्या कह रहा है, अगला रूल है फोर्थ वाला, इफ ए सिंगुलर कॉमन नाउन एंड्स विथ वाई बट बट ए वॉवेल इज यूज्ड बिफोर वाई देन Y, then add S, ये S लिखा है, add S at the end of the word। तो आपको क्या करना है, उस सिंगुलर कॉमन नाउन शब्द के अंत में केवल S जोड़ देना है Y के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जैसे मान लो सिंगुलर लिखा हुआ है, ठीक है, सिंगुलर लिखा है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, सिंगुलर और यहां है प्लूरल, ठीक है। तो जैसे मान लो लिखा है प्ले, अब यहाँ पे वाई है, यहाँ पर ए है, ये क्या है, वोवेल है, तो हम क्या कर देंगे, प्लेज लिख देंगे, एस केवल जोड़ देंगे वाई के अंत में, एस जोड़ देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से टॉय लिखा है, टॉय, टॉय क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, और वाई के पहले क्या है, वोवेल आया है, तो हम क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे लास्ट में, टॉयज, ठीक। इसी तरह से मंकीज लिखा है, मंकी, तो मंकी में आप देख रहे हैं वाई है ई के पहले, तो ई आया है, वॉवेल है, तो हम क्या, यस केवल जोड़ देंगे, मंकीज कर देंगे, ठीक है। फिर डे है, तो क्या हो जाएगा, डेज हो जाएगा, केवल एस जोड़ना है। फिर उसके बाद स्टोरी है,
स्टोरी, वो कहानी वाला नहीं, ई वाई, ये मंजिल वाला स्टोरी, तो क्या हो जाएगा, स्टोरीज हो जाएगा, एस केवल जोड़ देंगे। और वो जो कहानी वाला है स्टोरी, उसमें ई नहीं रहता है, तो हम उसमें आई ई एस के द्वारा उसको जोड़ते हैं, ठीक है, प्लूरल बनाते हैं, आई ई एस। ठीक, तो ये हमारे 4 रूल्स हैं आज के, और आज की क्लास यहीं तक। हम ये चाहते हैं केवल 15 से 20 मिनट की क्लास ही रहे, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो और आप लोग यहाँ से ढेर सारा कुछ सीख सीख सकें। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और इसके यूजेज जब हम बताएंगे तो उसमें ये सारे काम आने वाले हैं जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले इंग्लिश के ग्रामर के लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।